टोक्यो में घूम के तो मजा आ गया। थैंक यू किको। आप मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मेयर अंकल? अयो, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हम सबको टोक्यो घूमने का मौका मिला है जी। वन वर्ड में कहूँ तो करेक्ट। आज टोक्यो के स्टेडियम में स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, जहाँ एक से बढ़कर एक एथलीट अपना टैलेंट दिखाएंगे। तो क्या किको भी पार्टिसिपेट करेगा? अगर ऐसा है तो मैं भी खेलूंगा। टोनी, मैं स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बल्कि बस तुम लोगों के साथ देखने जा रहा हूँ। टोक्यो सिटी के जो बेस्ट एथलीट्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं। उन्होंने ही हम सबको स्पोर्ट्स डे में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। कल्लू के उल्लू ने गुड़िया की पुड़िया को ऊंचे पेड़ की डाल पे टांग के पूरी रसमलाई अकेले चट कर ली। वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड में नोट कर लेता हूँ। सर, पहली में किको को हम सबको साथ लाने के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। गेम ऑन। अब किको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम Google Play पर उपलब्ध। किको, चलो ना तुम्हारे दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। नहीं टोनी, अभी नहीं, उनकी परफॉर्मेंस होने के बाद मिलेंगे। अभी मिलने से गेम से उनका ध्यान भटक सकता है। हेलो किको, आई एम फुटोशी। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, तुमसे मिलकर खुशी हुई। एल्ला जी, आई एम थेम्पो अन्ना। आपने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सुना, फिर भी मिलकर खुशी हुआ जी। मैं हूँ टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी का वाइस चेयरमैन और ये हैं स्टेडियम के केयरटेकर चोकी। इस स्टेडियम का ग्राउंड मेंटेन करने से लेकर सिक्योरिटी तक सब इनकी जिम्मेदारी है। हेलो फुटोशी और चोकी अंकल, आप लोगों से मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। लोगों का इतना जबरदस्त रिएक्शन, कीवर्ड्स में पूछूं तो Who is he? वो है मिस्टर अकीतो, टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन। लेकिन स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन के लिए इन आर्म सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या जरूरत? वो इसलिए क्योंकि टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी का चेयरमैन बहुत पावरफुल होता है। स्पोर्ट्स में खर्च होने वाले ढेर सारे पैसे और नए प्लेयर सिलेक्ट करना उसी की जिम्मेदारी होती है। यानी पावरफुल से भी ज्यादा पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। इसी बात पे कुछ खा लेता हूँ। अभी थोड़ी ही देर में ये फंक्शन शुरू हो जाएगा, आप लोग अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। मैं चेयरमैन मिस्टर अकीतो के पास जाके बैठता हूँ। चौकी, इन सब का अच्छे से ख्याल रखना। टोक्यो सिटी के स्टेडियम में स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए आप सबका स्वागत है। आज हमारी सिटी के 3 बेस्ट एथलीट्स अपना टैलेंट दिखाएंगे, दाजू शॉट पुट फेंकेंगे, आइसिन डिस्कस और हीरो जैवलिन। ये तीनों प्लेयर्स अपने अपने खेल में सबसे आगे हैं, इसलिए आज ये तीनों एक साथ अपना टैलेंट दिखाएंगे, यानी शॉट पुट, डिस्कस एंड जैवलिन एक साथ फेंका जाएगा। Yeah!
R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब जरूर कोई खतरा है। धूल की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। जल्दी से फॉर्मूला नंबर 375 लगा के स्टेडियम के अंदर उड़ रही धूल को हटाओ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 375। अरे वो तीनों एथलीट्स गए कहाँ? मम्मी, किको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी मिसिंग है। अयो अयो अयो, लगता है उन दोनों का किडनैप हो गया जी। सुपर स्पीडो, जल्दी उस कार का पीछा करो। ओके ब्रो, लेट्स गो। फुटोशी अंकल की आवाज है, मगर ये आवाज आ कहाँ से रही है? किको, यहाँ नीचे देखो। किको, मेरा हाथ छूट रहा है, जल्दी से मेरी मदद करो। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर। हाँ? सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 230। फुटोशी अंकल, अकीतो अंकल कहाँ है? किको, किडनैपर्स ने मुझे और मिस्टर अकीतो को दो अलग अलग कार्स में किडनैप किया था। मेरी कार में चार किडनैपर्स ने मुझे पकड़ के रखा था, जो कि खाई में गिर गई। तो आप उस कार से निकले कब? जब वो कार खाई में गिरने वाली थी, तब मैं दरवाजा खोल के कूद पड़ा और पेड़ से लटक गया। वो किडनैपर्स पैराशूट के साथ कूदे और सेफली खाई में लैंड करके भाग गए, और वो कार खाई में गिर के तबाह हो गई। समझ नहीं आ रहा कि अकीतो अंकल को किडनैप किया किसने। किको, मुझे लगता है कि अकीतो अंकल उस हेलीकॉप्टर में थे। चलो चल के उसका पीछा करते हैं, मेरा ऑटो रिपेयर पूरा हो चुका है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, पकड़ के रखो, हम आते हैं। चेयरमैन को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं, चलो उन्हें इंटरोगेट करके चेयरमैन को छुड़ाते हैं। कौन है अकीतो अंकल के किडनैपर्स? अयो, ये रहे जी।
हैं लोग, मगर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? और इन्हें पकड़ा किसने? शुरू है कि मामा ने बिल्ली की मौसी को उबलते दूध से निकली मलाई चटा के गहरी नींद में सुला दिया। मतलब? सर पहली में कह रहे हैं कि ये तीनों बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद भाग रहे थे, तो सर ने अपनी चतुराई से इन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। नहीं कीको, हमने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया। तो तुम लोग भागे क्यों? क्योंकि हम डर गए थे, इसीलिए भाग गए। जरा सोचो, हम चेयरमैन सर को क्यों किडनैप करेंगे? वो तो जब जेल जाओगे तब तुम खुद ही बताओगे। गार्ड, इन तीनों को अरेस्ट कर लो। एक मिनट सतोशी अंकल, मुझे लगता है कि ये सच कह रहे हैं। सिंपल केस है कीको, इन लोगों ने पहले अपने शॉटपुट, डिस्कस और जेवलिन में बॉम्ब डाल के स्टेडियम में धमाका किया और फिर मौका देख के इनके आदमी चेयरमैन सर को उठा ले गए। जरा एक मिनट, मैं एक बार ब्लास्ट वाली जगह देखना चाहता हूँ। Bomb materials not present. ये देखिए, मैंने इन तीनों चीजों को स्कैन किया है, मगर इनमें से बॉम्ब होने का सबूत किसी में भी नहीं है। मगर हाँ, एक बार इस ग्राउंड को स्कैन करना भी बहुत जरूरी है। Bomb materials present. बॉम्ब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में नहीं बल्कि जमीन में थे। किसी ने ग्राउंड के नीचे लैंड माइंस बिछाई थी। वन वर्ड में पूछूं तो व्हाई? ताकि जब ये तीनों यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, तो ये लैंड माइंस फट जाए। ये माइंस बहुत पहले से ही यहाँ बिछी थी। इन लोगों ने जब शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन फेंका, तो उनके टकराते ही ये लैंड माइंस फट गए और उसी धमाके का फायदा उठा के कोई अकीतो अंकल को किडनैप करके भाग गया। मगर कीको, किडनैपर ने तो ठीक उसी जगह लैंडमाइंस बिछाई है जहां सारे एथलीट्स ने थ्रो किया था। किडनैपर को ये कैसे पता कि एथलीट्स कितनी दूर तक थ्रो कर सकते हैं? क्योंकि किडनैपर इन एथलीट्स की पावर को अच्छे से जानता है और इस ग्राउंड को भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि चेयरमैन सर को आखिर किडनैप कौन कर सकता है और वो भला चाहता क्या है? उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अकीतो अंकल को सेफली वापस लाने के बारे में सोचें। चलो सुपर स्पीडो, हमें जल्द से जल्द अकीतो अंकल को ढूंढना होगा। ऑलराइट ब्रो, लेट्स गो। कीको, हम यहाँ क्यों आए हैं? फुटोशी अंकल को किडनैपर्स इसी कार में लेके भागे थे। चलो। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 230 लगा के अकीतो अंकल को ढूंढने चलो। सुपर स्पीडो, वो हेलीकॉप्टर जिसने हम पर हमला किया था वो इसी डायरेक्शन में गया था और इस डायरेक्शन में बहुत दूर तक सिर्फ यही एक आइलैंड है। हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर इसी आइलैंड में उतरा होगा। चलो। अगर हेलीकॉप्टर है तो उसे उतारने के लिए हेलीपैड भी होना चाहिए। सही कहा सुपर स्पीडो, देखो वो रहा हेलीपैड। चलो नीचे उतरते हैं। सुपर स्पीडो, हमें आगे बहुत ही सावधानी के साथ बढ़ना होगा, वो भी चुपचाप दबे पाओ। तुम फॉर्मूला नंबर 25 लगा के अपनी साइज को छोटा करो। ओके ब्रो, हियर आई गो। मैं तो एक नन्ना मुन्ना बच्चा हूँ। Thank you.
मुझे लगता है किडनैपर ने अकीतो अंकल को उसी के अंदर कैद कर रखा है। हाँ? सुपर स्पीडो, अब लगता है इनसे निपटने के लिए तुम्हें अपने ओरिजिनल शेप में आना ही होगा। लगाओ फॉर्मूला नंबर 578। यस किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 578। ये घास है या फुटबॉल? कितना उछलती है। थैंक गॉड, अकीतो सर आप सेफली वापस आ गए। चलो कम से कम किडनैपर का खतरा तो टल गया। नहीं मेयर अंकल, जब तक हम किडनैपर को पकड़ नहीं लेते खतरा नहीं टलेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा कीको, हमें उस किडनैपर को ढूंढना ही चाहिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है फुटोशी अंकल, वो किडनैपर मेरे सामने ही है। कौन मैं? तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है ना? बिल्कुल है, मुझे तुम पर शक तब हुआ जब किडनैपर ने अकीतो अंकल को किडनैप करने के बाद कोई फिरौती नहीं मांगी, बस किडनैप करके ले गया। मगर कीको, फुटोशी अंकल अकीतो अंकल को किडनैप क्यों करेंगे? ताकि वो खुद टोक्यो स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन बन सके और उन्हें वो सारी पास मिल जाए जो अभी अकीतो अंकल के पास है। ये सरासर झूठ है। कीको, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुमने कहा कि वो किडनैपर्स तुम्हें उठा के ले गए थे, राइट? यानी वो कार तुम नहीं चला रहे थे। इसका मतलब उस कार की स्टीयरिंग पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तुमसे मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। चलो अपना हाथ दिखाओ। ये प्रिंट्स मुझे कार की स्टीयरिंग से मिले, अब देखते हैं ये तुम्हारे हाथ से मैच होते हैं या नहीं। Perfect match. ये लो, हो गया दूध का दूध और कोल्ड ड्रिंक का कोल्ड ड्रिंक। मैंने पूरे स्टेडियम में लैंड माइंस बिछा रखी हैं। अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम लोग। खेलूं जब मैं अपना खेल, जीतूं मैं बाकी हो जाए फेल। सुपर स्पीडो फॉर्मूला नंबर 12। यस किको, get ready to fly. अब लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। Oh!
बच्चों का खिलौना, पल भर का रोना, खरगोश से खाली टॉफी, अब लोमड़ी का होगा सोना। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। कीको एंड सुपर स्पीडो, थैंक यू वेरी मच। मैंने सुना था पर आज देख भी लिया कि जहाँ तुम दोनों हो वहाँ कभी रॉन्ग राइड से जीत नहीं सकता।